देश के कई राज्यों में एक बार फिर कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से सामने आने लगे हैं। इसी क्रम में देश के सबसे अधिक कोरोना महामारी से प्रभावित रहे महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोविड 19 के 162 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में आज बुधवार को सक्रिय मामलों की संख्या 690 हो गई, जिसमें कि मुंबई के 415 मामले भी शामिल हैं। महाराष्ट्र में मंगलवार को कोविड 19 के 137 नए मामलों और 3 मौतों की जानकारी दी है, जिसने राज्य के कुल मामलों की संख्या को 78,76,041 तक, मौत के आंकड़ों को 147,830 तक बढ़ा दिया है। वहीं महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि राज्य में कोविड 19 की स्थिति नियंत्रण में है और घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना वायरस के संक्रमण वृद्धि पर नजर रखने और उसे नियंत्रित करने के लिए केंद्र की सलाह के मद्देनजर बुधवार को टोपे का ये आश्वासन आया है। दरअसल केंद्र ने निर्देश दिया था कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और मिजोरम को हालात पर सख्त निगरानी बनाए रखने और यदि आवश्यक हो तो तुरंत पूर्व कार्रवाई करने की सलाह देने के एक दिन बाद आया है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।